यूपी में विपक्ष का यह हाल है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा स्पीकर से यह गुजारिश करना पड़ रहा है कि सभी विधायकों को 22 जनवरी को अयोध्या ले जाएं। तो यूपी कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को इस रैली में डुबकी लगाने का प्लान बना रहे हैं। हम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, हमारे आराध्य हैं, और मेरी इच्छा है कि विधानसभा अध्यक्ष जी हम सभी उत्तर प्रदेश के विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यालय में लेटर सबमिट कर दिया कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भोपाल हैं, आते ही मैं उनसे टेलीफोनिक बात भी करूंगा और व्यक्तिगत उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सभी उत्तर प्रदेश के विधायकों की जन भावना का सम्मान करते हुए वो वहां तक हम सब पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था। मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, 9:13 पे, 9:15 पे हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। पहले जाकर डुबकी लगाएंगे सरजू जी में, फिर दर्शन करेंगे, फिर हनुमान घड़ी जय जय सियाराम होगा। 15 तारीख को दर्शन कर रहे हैं हम लोग, व्यक्तिगत रूप से अपना दर्शन करने जा रहे हैं, और उस दिन का दिन है सबसे बड़ा दिन कि उस दिन अपने हमारी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति दर्शन करें। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्या अभी भी विपक्षी दलों में इस बात को लेकर असमंजस है कि किस डगर जाना है, न्योते को स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना है, अपने जो दल के नेता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके साथ पहुंचना है या फिर नहीं, क्या असमंजस है इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त समाजवादी पार्टी में और विपक्ष में इसे लेकर असमंजस भी है, इसे लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है। अखिलेश यादव ने कल जैसा कि बता दिया कि उन्हें कोई निमंत्रण, वो नहीं जानते कि कौन आदमी है जिसने उन्हें निमंत्रण दिया है, वो आलोक कुमार को लेकर के बातें कह रहे थे। उन्हीं के विधायक है राकेश सिंह, जिन्होंने कहा है कि कम से कम निमंत्रण तो नहीं मिला है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उन्हें ले जाए और 22 तारीख को उनके दर्शन जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो तब सारे विधायकों को दर्शन कराए जाए। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी चाहती है कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें शरीक हो। तो देखिए, चूंकि ये मंदिर का माहौल और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो कोई अपने को इससे दूर नहीं रखना चाहता और सभी को मालूम है कि इसका जो राजनीतिक असर है उसे उन्हें झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि सभी दल के लोग जो है, विधायक नेता, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो इससे जुड़े या जुड़ते हुए दिखाई दें। बिल्कुल, अब देखिए, आप रहिए जरा साथ, अखिलेश यादव की उलझन जरा समझिए। पहले कहते थे न्योता ही नहीं आया, अब जबकि वीएचपी की ओर से न्योता आया है तो कह रहे हैं वीएचपी कौन होती है न्योता देने वाली, हम नहीं जानते। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राप्त शिक्षा में आपको निमंत्रण मिला। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है, और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। और अखिलेश के इनकार पर हमने वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से बात की, वो कह रहे हैं कि यूपी में ऐसा कौन होगा जो वीएचपी को ना पहचानता हो। उनको न्योता देने नहीं गया, हमने न्योता उनको कोरियर से भेजा है। मान लो मैं जाता भी तो हम सब लोग तो हरकारे हैं ना, हम डिलीवर कर रहे हैं केवल। न्योता मेरे घर के किसी कार्यक्रम का नहीं है, वही तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भेजा है, इसलिए हर कार्य को नहीं जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, भारत सरकार ने बना है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो तीर्थ क्षेत्र को नहीं जानता। इसलिए मैं समझता हूं कि वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढने के लिए हल्की बात कर रहे हैं। बहाने किसके लिए ढूंढ रहे हैं? ना जा पाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा, बाद में उन्होंने कहा कि इनका नहीं, राम जी का मिलेगा तो मैं जाऊंगा।
तो 22 तारीख को हम पता करेंगे कि राम जी ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। कुमार अभिषेक को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तो बहाने तलाशने की कोशिश है कि अब पहले निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, फिर आया तो मैं वीएचपी को ही नहीं जानता, ये निमंत्रण देने का सही तरीका नहीं है। यानी विपक्ष अभी तय ही नहीं कर पा रहा उसको जाना या नहीं जाना है, लेकिन सीधे तौर पर इसे बहाने के तौर पर वीएचपी देख रही है। नहीं बिल्कुल, अखिलेश यादव की तरफ से भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उन्होंने इस बात के लिए वीएचपी की तो आलोचना कर दी कि वो उसे नहीं जानते हैं और बिना बुलाए वो कैसे जाएंगे, लेकिन वीएचपी के जो महासचिव हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कुरियर से भेजा गया है। तो क्या कुरियर से बुलाए जाने पर अखिलेश यादव जाएंगे? अखिलेश यादव का पूरा निशाना आलोक कुमार पर है कि न वो आए हैं न उनसे कोई परिचय है, लेकिन निमंत्रण आया है कि नहीं ये तो बताएं। तो अखिलेश यादव की तरफ से ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि उन्हें वो कुरियर वाला निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, और अगर कुरियर से निमंत्रण मिला है तो क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। और यही इसी बात को अब देखिए वीएचपी विश्व हिंदू परिषद भी मुद्दा बना रही है, और वो ये कह रही है कि भाई आप तो कह रहे थे कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, तो बुलावा कुरियर से भेजा गया है। अब देखना है कि अखिलेश यादव क्या कुरियर की बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कुरियर के बुलावे पर वो जाते हैं या नहीं जाते हैं तो पार्टी के भीतर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो शायद इस 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और जैसे कि तमाम बड़े नेता जो विपक्ष के हैं उनके तरफ से भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे जिन्हें निमंत्रण दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी के भीतर दो धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा जो है वो हर हाल में राम मंदिर के इस उद्घाटन से जुड़ना चाहता है, और दूसरा धड़ा ये है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता है जो इससे उन्होंने न सिर्फ दूरी बना रखी है, बल्कि आप याद करिए कल कासगंज की एक सभा में उन्होंने कह दिया कि भाई उस वक्त जो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई थी वो सरकार का दायित्व और कर्तव्य था, इसलिए उसे उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। तो पार्टी के भीतर दो अलग अलग विचार हैं। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव 22 तारीख को जाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा है कि जब राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, यानी जब भगवान का बुलावा होगा तब जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।